Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. Today we are going to start a new unit, unit number 9. Granny, please comb my hair. So let's start. Granny, please comb my hair. You always take your time, you always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. So, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी ग्रैनी मतलब अपनी दादी को बोल रही है कि प्लीज कॉम्ब माई हेयर. देखो प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट करना, कॉम्ब मीन्स जो कंघा होता है उसे क्या बोलेंगे, कॉम्ब बोलेंगे. और ये हेयर मतलब अपने बाल. तो वो अपनी ग्रैनी मतलब दादी से बोल रही है कि दादी प्लीज़ मेरे हेयर को कॉम कर दीजिए, मेरे बाल बना दीजिए. यू ऑलवेज़ टेक योर टाइम, यू ऑलवेज़ टेक सच केयर. आपके पास हमेशा सबके लिए टाइम होता है और आप हमेशा सबकी बहुत केयर करते हो. यू पुट मी टू सीट ऑन अ क्यूशन बिटवीन योर नीज. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. यू पुट मी टू सीट ऑन अ कुशन. वो बोलती है अपनी दादी से, ग्रैनी से, कि आप हमेशा मुझे कुशन एक तकिया होता है जो आप सोफे के पीछे लगाते हैं ना छोटा सा, दैट इज़ कॉल्ड कुशन. तो वो बोलती है कि आप हमेशा मुझे कुशन के ऊपर बिठाते हो. फिर बिटवीन योर नीज, जो अपनी नीज मतलब घुटने, अपने दोनों नीज के बीच में वो मुझे बिठाती है. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, उसके बाद वो जो ग्रैनी है वो उसके वो बच्चे के सर पर कोकोनट ऑयल रब करती है, कोकोनट ऑयल लगाती है. पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, जेंटल मतलब प्यार से पार्टीशन करके अच्छे से ऑयल करती है हेयर. ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माय हेड एंड से नाउ हु इज अ नाइस गर्ल. ओके, तो उसकी ग्रैनी वो क्या बोल रही है ग्रैनी को कि ग्रैनी आपके पास तो बहुत सारा टाइम है. एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, जब वो बोलती है कि जब आप कोकोनट ऑयल रब कर लेते हो, मेरे बाल हेयर को कॉम कर लेते हो, जब पूरा फिनिश हो जाता है, फिर वो जो उसकी ग्रैनी है वो क्या करती है, फिर वो जो लड़की है उसका हेड टर्न करके बोलते हैं हु इज़ अ नाइस गर्ल, ये प्यारी सी बच्ची कौन है. आप भी अपनी ग्रैनी के पास